थोड़ा सा लगातार पूर्वांचल के जिलों में आप दौरा कर रहे हैं, क्या रणनीति है कांग्रेस की, सियासी रणनीति 2022 के चुनाव को लेकर के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के सभी संभागों में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतागण अब उत्तर प्रदेश में रैली का हिस्सा होंगे। कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन होना, साथ ही साथ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा रथ भी निकलनी है जो उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाएगी। ग्राम सभा इकाई के गठन का लक्ष्य अपने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को हम लोगों ने दिया था, उसकी समीक्षा, और साथ ही साथ आने वाले समय में बूथ और ग्राम सभा के कमेटी के लोगों का प्रशिक्षण होना है। उसी के बावजूद जनपदों के तमाम हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत के कांग्रेस कमेटी के लोगों के साथ सीधा संवाद करने का कार्य हम सब लोग कर रहे हैं, और कार्यकर्ता आधारित राजनीति को आगे ले जाते हुए आने वाले 2022 में कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, आज जो है एक ब्राह्मण चेहरा, तीन पिछड़ा, तीन दलित चेहरा सरकार शामिल करने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जैसे कई खबरें आ रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे हर मोर्चे पर विफल है। किसान परेशान है, गन्ने का किसान परेशान है, धान का किसान परेशान है, गेहूं का किसान परेशान है, तिलहन का किसान परेशान है, मक्के का किसान परेशान है, आवारा पशुओं से किसान रात रात भर अपने खेतों का पहरा कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है किसान, बुंदेलखंड में स्थिति और भी भयावह होती जा रही है, कर्ज में डूबा है किसान, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों के फसलों का एक रुपया दाम बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। पिछले समय से लगातार बेरोजगार नौजवान रोजगार को लेकर सड़कों पर आंदोलित हैं, सारी भर्तियां कहीं ना कहीं लंबित पड़ी हुई हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम बढ़ गए, ये लाख जतन कर ले, कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों ने भूला नहीं है। 7.5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं समझता हूँ इस सरकार का चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह, कोई भी चला है, उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और दलित को जगह दे रही है मंत्रिमंडल में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पिछड़े समाज से हैं, इनके डिप्टी सीएम जो है पिछड़े समाज से हैं, लेकिन जब जाति जनगणना की बात आई तो सरकार ने हलफनामा लगाकर जाति जनगणना को रोक दिया। अब किस मुंह से इनके भारत सरकार के मंत्री पिछड़ों के या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पिछड़ों के बीच में जाएंगे और क्या कहेंगे? जब सरकार में है, जब सारे अधिकार उनके पास है, तो अधिकार पिछड़ों का दे नहीं पा रहे हैं, और मंत्री नहीं कुछ भी बना ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समूचा पिछड़ा समाज आने वाले दिन में 2022 के चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। विधानसभा में कल कांग्रेस की क्या रणनीति है 2022 में, जिसमें जो आरोपी बनाए गए हैं ये प्रमोद तिवारी जी और इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, प्रमोद तिवारी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, CWC के मेंबर हैं, आराधना मिश्रा मोना जी हमारी CLP लीडर हैं, द्वेषवश, जबकि वो जहां मामला हुआ उससे काफी दूरी पर थे, द्वेषवश
सरकार ने दमन का रास्ता अपनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के साथ, आराधना मिश्रा के साथ खड़ी है और हर मजबूती से इस सरकार का मुकाबला करें। कई चेहरे जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ललितेश पति त्रिपाठी ने भी अब कांग्रेस को छोड़ दिया, कह रहे हैं सम्मान नहीं मिल रहा है उचित कांग्रेस में। देखिए वो उपाध्यक्ष थे, पार्टी में राजस्थान में सीसी के मेंबर थे, अब जब इतना सम्मान मिला तो कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा होगा। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस गांव, गरीब, खेत, कल्याण, किसान, नौजवानों के मुद्दों पर, सड़कों पर संघर्ष कर रही है। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। भाजपा साढ़े 4 साल भी मिसाल मना रही है, उसके किस रूप आप देते हैं? किसानों से पूछिए, स्वामीनाथन कमेटी आयोग की बात की थी सरकार ने, आय दुगुने की बात की थी, करा रहा है किसान, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलित है, महंगाई चरम सीमा पर है, पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है, कानून व्यवस्था फेल है, बिजली के दाम आकाश छू रहे हैं, हर आदमी छोटे मोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग पूरी तरह बंदी के कगार पर है। केवल नोएडा और गाजियाबाद में 70,000 छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए। बनारस सिल्क की साड़ी का उद्योग था, भदोही कारपेट का उद्योग था, बुनकर बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में जो इस प्रदेश में निवास करते हैं आज वो परेशान है। जिस तरह यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, आने वाले 2022 में इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। कांग्रेस किसके नेतृत्व पे चुनाव लड़ेगी 2022 की? जी गठबंधन लगेगा कि कोई अकेले लड़ेगा? बिल्कुल गठबंधन करेंगे, आपसे करेंगे, आवाम से करेंगे, गांव से करेंगे, गरीब से करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं से करेंगे, लोगों के विश्वास से करेंगे। 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, सपा बसपा और भाजपा ने बेड़ा गर्क किया है। जो हमने बनाया था, उद्योग लगाए थे, धंधे लगाए थे, उस सब को इस सरकार ने लीलाम कर दिया। सर, योगी जी ने कहा कि उन्होंने विकास किया है, लोगों को नौकरी दिया है। देखिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, विनाश किया है। इसके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव? 2022 में कांग्रेस की क्या रणनीति है विधानसभा मुख्यमंत्री पद का, या कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव? देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी प्रदेश में चेहरे का नेतृत्व CWC के मेंबरान करते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। समय का इंतजार करिए, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और CWC के मेंबर किसी चेहरे का घोषणा नहीं करते तब तक कुछ भी कहना अशुभ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।